कंपनी लॉ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनियों के द्वारा कैपिटल गेन करने का जो तरीका है, कैपिटल कलेक्ट करने का जो तरीका है, उन तरीकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंपनियां जनरली आज के दौर में जो बनाई जाती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में बनाई जाती है, लेकिन कंपनियों के बारे में जो बात किया जाए, कंपनियां दो तरह की कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। एक होती है पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, और एक होती है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। दोनों कंपनियों का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है इसकी जब कंसेप्ट की बात कर रहे थे हम या हमने इसके टैक्स के बारे में चर्चा की, तब भी हमने खुल के डिस्कशन किया, बहुत बड़ा डिफरेंस प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में होता है। वो ये होता है कि प्राइवेट कंपनी का किसी भी तरह का पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, चाहे वो मेंबरशिप की बात कर लें, चाहे वो फंड कलेक्शन की बात कर लें, सब कुछ प्राइवेट बेस के ऊपर ही होता है। इसलिए जब भी बात की जाती है, जैसे पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी किस तरह से कैपिटल कलेक्ट करती है, इसके बारे में एक तो हमारे पास तरीका होता है पब्लिक ऑफर। सार्वजनिक प्रस्ताव, सार्वजनिक प्रस्ताव का मतलब होता है कि कंपनी इनवाइट करती है कि कोई व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कंपनी की सिक्योरिटीज में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ये हमारा पॉपुलर तरीका है। अब वो इस तरह से किया जाता है पब्लिक ऑफर, ये हमारे पास इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो हो सकता है IPO या हो सकता है FPO। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी बनने के बाद में जब पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं, इसको नाम लेते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये नाम से पता लग जाएगा ऑफर तो है, पब्लिक ऑफर की बात कर रहे हैं। पब्लिक को पब्लिक का मतलब है कोई भी। अब जैसे आपके लिए बात की जाती है, कभी कॉलेज का नोटिस आता है तो वहां पर है कि महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ये पब्लिक ऑफर है। लेकिन अगर यह है कि वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को या विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ये प्राइवेट है, वो पूरे कॉलेज से कंसर्न नहीं है। तो पब्लिक का मतलब है कोई भी व्यक्ति पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में, कहीं से भी वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, ये तो है, पता लग जाएगा। IPO का मतलब है इनिशियल है, पहली बार, इससे पहले कंपनी ने कभी शेयर इशू नहीं किए। और अगर FPO है, इसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक इशू। फर्दर दूसरा रास्ता हो जाएगा फॉलो अप। पब्लिक इशू तो है, FPO ये तो कॉमन नाम मतलब है, तो ये नाम से पता लग जाएगा आपका। FPO का मतलब है कंपनी इशू तो ला रही है, लेकिन इस इशू के आने से पहले कंपनी के द्वारा पहले भी मार्केट में इशू लाया हुआ है, पहले भी कंपनी ने शेयर्स का निर्गमन किया हुआ है, ये बात आपको पता लग जाएगी। तो ये तो है हमारे कि पब्लिक को इसमें हम इन्वॉल्व कर लें, पब्लिक का समावेश करते हुए, पब्लिक को इन्वाइट करते हुए। अब किस रूप में हो सकता है ये, चाहे आप कंपनी के शेयर्स इशू करें, कंपनी के डिबेंचर्स इशू करें, या अदर सिक्योरिटीज। अगर पब्लिक को ऑफर दिया जा रहा है, याद था कि कई बार ये भी होता है कि हम पब्लिक डिपॉजिट इन्वाइट कर लेते हैं, सार्वजनिक जमाएं, तो ये हो गया शेयर्स, अंश, डिबेंचर्स, ऋणपत्र, सिक्योरिटीज, इन दो के अलावा और कोई भी सिक्योरिटी। और तीसरा है पब्लिक डिपॉजिट या सार्वजनिक जमाएं। रिटायरिंग बैंक आपका एक्स्ट्रा फंड जो सरप्लस फंड है, वो कंपनी के सर्टेन जो फंक्शंस हो सकते हैं, सर्टेन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए कंपनी को दिया जाए, ऐसा भी ऑफर दिया जा सकता है। अगर ऑफर पब्लिक को गया है तो ये कहलाता है पब्लिक ऑफर। और पब्लिक ऑफर में फिर दोनों चीजें IPO या FPO, ये डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं कि IPO की मीनिंग अगर आपसे पूछ लें तो सीधा क्लिक होना चाहिए कि ये पहली बार से मतलब इससे पहले कभी सिक्योरिटीज कंपनी ने इशू नहीं की है। और FPO बिल्कुल क्लिक होना चाहिए, ये है इससे पहले भी कंपनी मार्केट में शेयर लेकर आ चुकी है। तो आपने ये तो कर दिया पब्लिक ऑफर, लेकिन ये जो मोड है प्राइवेट कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इस रूप में नहीं कर सकती है। प्राइवेट का मतलब ही है सब कुछ प्राइवेट तरीके से हो रहा है, सब कुछ निजी तरीके से हो रहा है। आप अटमोस्ट जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करने का प्रयास कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी का एक निर्माण करके या उसका संचालन करके, अपनी सीक्रेसी पूरी मेंटेन करें कि जो कंपनी
के साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं, कंपनी के राइटर्स हैं, उनके अलावा आउटसाइडर्स को क्यों पता चले। तो हम इस चीज को एक्टर एंजॉय करना चाहते हैं, पर एक बेनिफिट हमको छोड़ना पड़ेगा, वो है हमारे पास इतना वास्ट जो स्कोप होता है कि पूरी कंट्री में हजारों लाखों करोड़ों प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। प्रोस्पेक्ट इसलिए कह रहे हैं, कौन करेगा हम नहीं जानते, संभावना है उनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किए जाए, तो उस बेनिफिट से तो आपको वंचित रहना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज को एनकैश नहीं कर सकती है, ये लिमिटेशन है उसकी, चाहे मेंबर्स के हिसाब से बात कर लें, चाहे उसकी सीलिंग जो कैपिटल की है उसके हिसाब से बात कर लें, ये लिमिटेशन तो रहेगी। लेकिन हम जब भी बात करेंगे, अगर पब्लिक ऑफर की बात करेंगे, तो हमारा मतलब केवल और केवल रहेगा पब्लिक कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से इस पहले ही एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ये कहीं इसका एसोसिएशन नहीं है। तो ये पब्लिक कंपनी एंजॉय कर सकती है जब चाहे आवश्यकता अनुसार, जब तक आप अपना जो कैपिटल फ्लोज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का उस लेवल को अचीव नहीं कर लें, उस समय तक आपको कैपिटल करेक्ट करने का मार्केट से अधिकार है। ये तो एक वन टाइम होगा, फर्स्ट जो इशू होगा वो आईपीओ होकर रह जाएगा। अब इसके बाद में चाहे एक साल बाद, पाँच साल बाद, दस साल बाद, जब भी आप लाना चाहें एफपीओ लाते रहें, अपने कैपिटल को रेज करते रहें। सीलिंग आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपनी जो अधिकतम कैपिटल की आपकी लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करना है, जो ऑथराइज कैपिटल है उससे बाहर जाने का कोई भी निर्णय एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आप प्रयास नहीं कर पाएंगे, वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वो सीलिंग आपको ध्यान में रखनी भी पड़ेगी। तो ये अगर पब्लिक ऑफर नहीं करते हैं तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, पब्लिक ऑफर में तो हमने जो वास्ट पॉसिबिलिटीज है उसको बना लिया, अब ये सोर्स हमको काम में नहीं लेना है, तो हम क्या करें। तो वो होता है दूसरा हमारे पास मोड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। ये प्राइवेट कंपनी भी काम में लेती है कि इसमें पैसा तो आता है, पैसे की मांग तो की जाती है, लेकिन पब्लिक से नहीं की जाती है, ये प्राइवेट, प्राइवेट कौन, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी, मैं खुद अपनी बात कर लूँ तो मेरे लिए प्राइवेट सोर्सेस कौन हो सकते हैं, सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है मेरे फैमिली मेंबर्स, दूसरा सोर्स हो सकता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, या मेरे फैमिली मेंबर्स के या मेरे रिलेटिव्स को जानने वाले जो लोग हैं उनसे एसोसिएटेड जो लोग हैं उनके साथ हम मिलकर, अगर मान लो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है और जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है उसको लगता है कि इतने सोर्स तो हमारे पास है, इसके लिए पब्लिक ऑफर निकालने की क्या आवश्यकता है। तो ये तरीका काम में ले सकते हैं कि जिसमें हम अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या उनके एसोसिएटेड जो पर्सनस हैं उनसे उतनी कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं जितनी हमारी आज बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए या बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। इसके लिए आपको किसी तरह की ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लिमिटेड एफर्ट से लिमिटेड टाइम पीरियड में इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले। और प्राइवेट कंपनी का तो सोर्स ही है, प्राइवेट कंपनी का फंडिंग का सबसे बड़ा तरीका ही है, उसका पूरा का पूरा जो कैपिटलाइजेशन होता है वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर से, कि हम सारे का सारा निजी स्रोतों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और वो हमारे वॉन्टेड वाले पर्सन से, इसलिए उन पर हमें भरोसा भी रहता है। जैसे पब्लिक ऑफर निकाल दिया आपने, आईपीओ आईपीओ जिस भी फॉर्म में निकाल दिया, अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं न्यूनतम अनुदान। और न्यूनतम अनुदान क्या होता है, ये होता है इश्यूड कैपिटल का 90%, निर्गमित पूंजी का 90% भाग जब तक जनता के द्वारा न ले लिया जाए, सब्सक्राइब नहीं कर दिया जाए, तब तक कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती, अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। हमने शेयर इशू भी कर लिए और आवंटन करने की भी हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो एक मेंटल स्ट्रेस लेकर आगे बढ़ने की बजाय हमारे पास मोस्ट रिलायबल सोर्स हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। निजी स्रोत जो हमारे हैं उनके ऊपर आप भरोसा कीजिए, लेकिन यहाँ पर भी कमी रह जाएगी। ये सोर्स तो आपको अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन दिला सकता है, लेकिन इस सोर्स में आपके पास सीमाएं होती है, हर व्यक्ति की अपनी
लिमिटेशंस है, उस रेंज में ही आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये अगर आपके पास इतनी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है या इतनी लिमिटेशन के साथ आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है, तो आप दूसरा तरीके काम कर रहे हैं, इसको नाम देंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। ये तो है जिसके साथ हम बाहर के लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास तरीका और होता है, और वो होता है राइट इशू। इसको बोलेंगे अधिकार निर्गमन। अधिकार निर्गमन किसके लिए होता है? ये शब्द जब भी आए शॉर्ट क्वेश्चंस में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सीधा सीधा ध्यान जाना चाहिए कि जब कंपनी कभी भी शेयर इशू कर चुकी है इस रूप में या इस रूप में। देखिए जनरली होता यह है कि अगर हम एक बार फिर से ऑफर प्लेस कर रहे हैं, वो दोनों कंपनियां कर सकती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनियों के लिए ये राइट इशू वाला मैटर रह सकता है। अगर शेयर इशू करने पर उन शेयर्स को लेने का पहला अधिकार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाए, विद्यमान अंशधारियों को दिया जाए, तो ये इशू कहलाएगा राइट इशू या अधिकार निर्गमन। बाहर के नए व्यक्ति कंपनी के मेंबर बने, कंपनी के साथ उनको जुड़ाव हो, उसके बजाय जो लोग जानते हैं समझते हैं लंबे समय से कंपनी के मेंबर हैं, तो कंपनी की कैपिटल में उनकी कुछ और मजबूती हो जाए और उन्हीं व्यक्तियों के साथ हम आगे बढ़ने की अगर इच्छा रखते हैं, तो ऐसा इशू लाया जा सकता है राइट इशू ऑफ शेयर अधिकार निर्गमन। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन आ जाएगी, और वो लिमिटेशन ये है, आप तो इशू निकाल रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर तैयार नहीं है, जिसने एक बार पैसा दे दिया अब दोबारा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अब क्या करें? उस केस में हमारे इशू में क्या होगा? तो बिल्कुल क्लियर इसके बारे में आपको बात ध्यान में रखनी है कि आप केवल ऑफर कर रहे हो, राइट इशू इज जस्ट एन ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसको सब्सक्राइब करना या नहीं करना उसकी इच्छा के ऊपर है, वो चाहे तो आपको और कॉन्ट्रीब्यूशन कर दें, चाहे तो मना कर दें, यहाँ तक कि उसको एक राइट और दिया जाता है कि वो चाहे तो किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपने शेयर्स को छोड़ सकता है, कौन से शेयर जो अब राइट इशू के रूप में उसके लिए ऑफर किए गए हैं। तो इसके लिए ये बाहर के व्यक्तियों की बजाय हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए जब भी कैपिटल रेज करना होता है, जैसे बात थी ना अपने आईपीओ के बाद में एनपीओ लेकर आए, तो एनपीओ की बजाय हम राइट इशू भी ला सकते हैं। लेकिन राइट इशू में प्रॉब्लम यही है कि 100% शेयर होल्डर्स फिर से सब्सक्राइब करना शायद पसंद न करें, लेकिन आपके पास खुला इसमें एक ऑफर रहता है, वो ये है कि अगर उनके द्वारा मना कर दिए जाए या एज डायरेक्टेड बाय देम, तो उसको हम अदर जो ओपन मार्केट में है वहाँ भी उसको ऑफर कर सकते हैं। या हमारे पास बाद में ऑप्शन आएगा जब या तो रिजेक्शन आ जाए या उसके द्वारा कोई डायरेक्टर्स आपके लिए जारी कर दिए जाए, उसके बाद में इस बॉन्ड को आप काम में ले सकते हो, ये हो जाएगा राइट इशू। और एक हमारे पास तरीका होता है, वो है बोनस इशू या बोनस शेयर कहने इसको। कंपनी बोनस शेयर भी इशू करती है, लेकिन ये ओपन मार्केट में नहीं होता है। जब कंपनी साल भर अपना कारोबार करती है तो वहां पर कंपनी के पास सबसे बड़ी जो गेन होती है वो होता है कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी बनाई जाती है लाभ कमाने के लिए, अर्निंग्स के लिए, ग्रोथ के लिए, तो आपको साल भर बिजनेस करने के रिटर्न में जो भी प्रॉफिट मिला, इस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। डिविडेंड होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, समता अंशधारियों को उनकी कैपिटल का जो रिटर्न दिया जाता है वो कहलाता है डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड बांटने से पहले आपको एश्योर करना है कि जो भी आपकी फिक्स लाइबिलिटीज है वो पहले पूरी हो जानी चाहिए। फिक्स लाइबिलिटीज क्या है? जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे, तो पहले डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, ब्याज का भुगतान किया जाएगा। कंपनी के ऊपर मान लो बैंकों का लोन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन है, पहले इंटरेस्ट का भुगतान किया जाएगा। और कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी भी अगर है, कंपनी के ऊपर जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो टैक्स लाइबिलिटी भी पहले आपको फुलफिल करनी है। अब ये सारे काम करने के बाद में जो प्रॉफिट का पार्ट बचता है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ये तो है प्रॉफिट, अब जो टर्म आएगा वो है डिस्ट्रीब्यूटेबल, विभाजन योग्य लाभ।
और ये विभाजन योग के लाभ पर अधिकार होता है संता अंशधारियों का, उसको जो रिटर्न दी जाती है उसको नाम देते हैं डिविडेंड या लाभांश। अब शेयर होल्डर्स की अपेक्षा भी होती है अच्छी रिटर्न मिलनी चाहिए। हमने सारा ये इंटरेस्ट का टैक्स लायबिलिटी का जब एडजस्टमेंट किया तो हमें लगा कि अब हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट्स नहीं बचे, तो ये मजबूरी नहीं है कि डिविडेंड बांटना ही पड़ेगा। डिविडेंड दो केस में रोका जा सकता है, पहली तो कंपनी अगर लॉस में चली गई तो प्रॉफिट का हिस्सा है डिविडेंड, घाटे में आपको किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं बांटना है, और दूसरी अगर सम्मानजनक डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता है तो उसकी बजाय उसको रिटेन कर लेना चाहिए, रिटेन अर्निंग्स के रूप में आप काम में ले लें। तो एवरी ईयर जो हमारे पास एक जनरल अपॉर्चुनिटी आती है वो तो होती है डिविडेंड डिक्लेयर करने की, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था, तो हमने क्या किया उसको रिटेन कर लिया, रिटेन अर्निंग्स। अब रिटेन अर्निंग्स का अच्छा कलेक्शन अगर हो जाए तो इस रिटेन अर्निंग को कंपनी कन्वर्ट कर सकती है कैपिटल में, और कैपिटल में कन्वर्ट करने को ही कहते हैं बोनस इश्यू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके एग्जिस्टिंग कैपिटल रेशियो में बिना उनसे कुछ भी पैसा लिए, बिना सब्सक्रिप्शन लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ से दे रहे हैं, जो डिविडेंड पर उनका अधिकार था उनको मिलना चाहिए था वो नहीं दे पाए, उसको रोक लिया, रिटेन कर लिया, अब उसको कैपिटल का पार्ट बना दे तो हमारे पास फिर एक एडिशन हो जाता है, ये कहलाता है बोनस इशू या बोनस शेयर के रूप में इसको जान सकते हैं। तो ये करने का भी एक पॉपुलर तरीका है, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। बोनस शेयर तभी जबकि हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का अच्छा कलेक्शन है। और फिर एक लिमिटेशन आती है, अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया है उस साल वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, ये भी आपको लिमिटेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास वो मोड है जिसमें सिक्योरिटीज किस तरह से पब्लिक को या प्राइवेट रूप में हम ऑफर करते हैं। तो हमारे पास ये पहला जो तरीका है ये केवल पब्लिक कंपनी से रिलेटेड है, और बाकी के जो कई तरीके हैं इसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियों के द्वारा बराबर रूप से काम में लिया जाता है। अब आपको सबकी मीनिंग ध्यान में होनी चाहिए, पब्लिक ऑफर का क्या मतलब है मीनिंग बिल्कुल क्लियर रखो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का, राइट इशू का, बस खाली वर्ड आते हैं उसकी क्लिक हो जाए, मीनिंग क्लिक हो जाए, ये हमारे इसकी लर्निंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इसको ध्यान रखो जब भी हम आगे शेयर डिवेंचर्स की बात करेंगे, इसी लाइट में बातचीत करेंगे। गुड इवनिंग।